आई वेलकम गौरव चौहान सर टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. वेलकम सर, आपका स्वागत है. कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, मैं एकदम बढ़िया. बहुत सुंदर, और मैं भी अच्छा हूँ महसूस कर रहा हूँ, और आपकी ऊर्जाओं के साथ आज जुड़ रहा हूँ. तो लेट मी टेल यू, आज गौरव चौहान सर हमारे साथ है, और सिंपल है उनका कहना कि अगर हमारी एनर्जी अगर बैलेंस है तो बाकी हम अपनी हेल्थ को और हीलिंग को बड़ा इजीली बैलेंस कर सकते हैं. और आप देखेंगे भी, जब मैं भी गौरव जी से मिला था तो आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिज एनर्जी, सो दैट्स व्हाई टुडे ही इज विद अस टू शेयर सम ऑफ हिज एनर्जी विद ऑल ऑफ अस. तो गौरव जी, मैं चाहूंगा कि आप हमें, जैसे कि चैनल का नाम भी आनंद यात्रा, अपनी आनंद की यात्रा की तरफ ले जाएं, और कैसे आपने खुद उसको पहले प्राप्त किया. लेट मी टेल यू, जो गौरव जी का एक बैकग्राउंड है, ही इज फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड. काफी टाइम उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क किया, एक्सपीरियंस गेन किया, बट कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक इनर कॉलिंग होती है जो हमें पुकारती रहती है, और फाइनली उन्होंने उसको परस्यू किया. एंड नाउ ही इज परस्यूइंग मास्टर्स इन योगा फ्रॉम एस व्यासा, और करंटली योगा थेरेपिस्ट भी हैं सर, हील करते हैं लोगों को. और दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू. कोई दुखी है, कोई परेशान है, और तब तरफ से नो आ गया कि अब हीलिंग नहीं हो सकती, और उस वक्त आपको कोई कहे कि नहीं सर, रास्ता अभी भी मौजूद है, तो वैसा ही एक उत्तर होता है हमारे गौरव जी का. तो सर, शुरुआत करेंगे हम लोग आज के इस यात्रा की. सो लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. दिस इज आनंद यात्रा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, विच इज अ जर्नी टू ब्लिस. हम सब कहीं ना कहीं यात्रा किसकी है? आनंद की ही. और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है. एंड दिस कन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट हीलिंग. सर बात करने वाले हैं अपनी जर्नी की, और कहते हम सबकी लाइफ में हीलिंग की जरूरत है, और डिसीज क्या है और क्यों होती है. सो अगर आपकी लाइफ में इन सब से रिलेटेड कुछ भी है तो आप इसको देख सकते हैं. तो सर वेलकम, और शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से कि थोड़ा सा इस बात को समझाएं कि अगर हमारी एनर्जी बैलेंस है तो हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और मेरी आनंद की खोज की यात्रा भी चल रही. आई थिंक ये एक जन्म कम पड़ जाएगा ना, ये एक ऐसी यात्रा है. और आपने बहुत सही बताया इंट्रोडक्शन में भी कि कैसे ये जो आनंद है ना, जिसको हम बाहर की चीजों में ढूंढते हैं. हम सोचते हैं कि अगर मैं इतने बेडरूम का अपार्टमेंट ले लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. ये नाम की मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या कोई बड़ी कार का एक एम रखते हैं, yes. बहुत खुशी आ जाएगी. और हम ये नहीं समझ पाते कि खुशी उस चीज में बहुत टेम्पररी है. मतलब यहाँ हमारे मन में एक विचार आया और यहाँ वो मिल गया. मान लीजिए एक बार वो मिल गया, मिलकर वो खुशी कुछ ही दिन रहेगी, उसके बाद एक नया विचार आ जाएगा, एक नई खुशी की एक और नई यात्रा चालू हो जाएगी, और हम इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे. आई थिंक जब हम सब ये समझ पाए कि खुशी अंदर है बाहर नहीं, तो बहुत सारी हमारी जो जिनको हमने जरूरतें बना लिया है, जिनको हमने बेसिक ऐसा सोचा हमारी नीड्स है, जबकि वो हमारी वॉन्ट्स है, हमें चाहिए ना, पर वही हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं नीड्स एंड वॉन्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लें एयर कंडीशनर है ना, एयर कंडीशनर को हम कैसे मान के चलते हैं कि नहीं ये हमारी नीड है, गाड़ी में बैठते ही एसी चालू हो जाना चाहिए, घर में पहुंचते ही मेरे आने से पहले एसी मिलना चाहिए, है ना. कई बार क्या होता है, मौसम इतना भी खराब नहीं, आप थोड़ी गर्मी सह सकते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं सहनशीलता कम हो गई है. और इन सब में कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है ना, उसका बहुत महत्व है. आज आप एक योगी को देखें, आज एक योगाभ्यासी को देखें, वो कहीं ना कहीं दूसरों से भिन्न क्यों लगता है, अलग क्यों लगता है, क्यों वो बहुत चीजों में ढल जाता है. पानी के जैसा होना चाहिए योगाभ्यासी को, है ना, कि जिस जार में जो है और उसकी ऊर्जा किस प्रकार एक योगाभ्यासी को, जैसे कहते हैं कि पानी के समान होना चाहिए, कि जिस भी बर्तन में डालें, ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप का हो जाए, मटके में जाए तो मटके की शेप का हो जाए, है ना. क्योंकि एक योगाभ्यासी रोज इस तांत में लगा हुआ है कि कैसे मैं परमात्मा से मिल पाऊं, है ना. उसकी जर्नी चीजों की नहीं है उसको. और एट द सेम टाइम एक योगा प्रैक्टिशनर को लग्जरी से प्रॉब्लम भी नहीं. ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे एसी में बिठाओगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, नहीं, ठीक है, हमको उसमें भी ठीक लग रहा है, पर वो मेरी नीड नहीं है, वो मेरी मैं आई डोंट स्ट्राइव फॉर इट, मैं उसके लिए नहीं भाग रहा हूँ. हम बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए, दोगे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन तो अच्छा चल ही रहा है. वंडरफुल, ये बहुत सुंदर बात आपने कही की कहीं ना कहीं क्लैरिटी है की वॉट वी वॉन्ट. और कहीं मैं पढ़ रहा था की वी शुड नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड्स एंड वॉन्ट. जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि इस दुनिया में इतना बहुत कुछ है हमारी नीड के लिए, लेकिन अगर हम वांट्स को फुलफिल करेंगे तो हमारी ग्रीड कहीं ना कहीं डेवलप होती है और हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं. बहुत सुंदर गौरव जी. तो मैं चाहूंगा कि आपने बड़ा इजीली बताया और सिंपल लैंग्वेज में कि इट्स मोर अबाउट द नीड्स नॉट अबाउट द वांट्स. तो ये हाउ यू केम टू दिस रियलाइजेशन, आपको इसका कैसे अनुभूति हुई, समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, और आपने इसको कैसे समझा, या बचपन से ही आपकी
अंडरस्टैंडिंग में था ऑलरेडी। ये बहुत अच्छी और ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट इसको मैं सारांश कोशिश करूंगा छोटे से क्वेश्चन में बताऊं कि कैसे मैं कॉर्पोरेट में था, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, आई वाज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन, फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा, स्पेशली आई थिंक कोविड ने हम बहुत सारे लोगों को बदला है ना, तो कोविड जब आया और मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट अ पुलिसमैन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट समवन हु इज एक्चुअली मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड राइट नाउ, मैं कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा हूँ, मेरी सैलरी टाइम पे आ रही है, दुनिया में कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है दैट वे, बट फर्क पड़ता है जब हमारे पड़ोस में कोई जाता है तब फर्क पड़ता है, हमारे आसपास जब हम जानते हैं जब उसको कोविड हुआ तो हमें फर्क पड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं ये इसने हम सब पर कहीं ना कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव असर डाला, तो आई टुक दैट एज अ पॉजिटिव चेंज, आई सेड व्हाट कैन आई डू टू मेक एटलीस्ट पीपल आई नो देयर लाइफ बेटर है ना, तो मैंने कहा मुझे आता क्या है, मैं 10-15 साल से योगाभ्यास तो कर ही रहा था पर मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, ऐसा नहीं है कि मुझे सिखाने के लिए, जैसे आपको और हमें पता है कि सिखाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि चाहे अगले का भला ना हो और उसका बुरा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना, तो नुकसान नहीं होना चाहिए, उस इंटेंशन से फिर मैंने पहले मुराजी देसाई जाके थोड़ा इनिशियल लर्निंग की है ना, बेसिक कोर्स किया, फिर टीचर ट्रेनिंग का इंटरेस्ट बना वो किया, फिर वहां से अपनी योग की एज अ टीचर जर्नी चालू होगी मुझे, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले जीवन में, जिन्होंने मुझे गाइड बड़ा अच्छा किया, और ये हम मैं प्रभु से यही इच्छा रखता हूँ और एक कामना करता हूँ कि सबको लाइफ में टीचर अच्छे मिले है ना, वो जो गाइड करते हैं ना और उनकी गाइडेंस हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है वो आप हम समझ नहीं सकते, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यस 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 यस, और टीम फीलिंग मुझे भी है कहीं ना कहीं, और इसको तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि इनिशियली आता था कि मैथ्स सिंपली अगर ले तो मैथ्स में मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी कहीं ना कहीं है ना, तो 10th क्लास में लाइक मुझे इतना प्रॉब्लम होती थी, आई डोंट नो कि माइनस इनटू प्लस क्या होता है, और मैं अपनी सिस्टर से कहता था कि यार मैं फेल ही हो जाऊंगा, आई डोंट नो क्या होगा है ना, सो देन आई गॉट अ टीचर, मुझे एक टीचर मिले और उनका एक प्रॉपर सिस्टम था कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमें ये करना है, मतलब उन्होंने एक स्ट्रक्चरिंग की हुई थी पूरे मैथमेटिक्स की, एंड यू डोंट बिलीव कि उनसे मैं पढ़ा, थोड़ी फीस जरूर जा जाती नो प्रॉब्लम, बट आई स्कोर 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 और मैथ कहीं ना कहीं मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो जो जिसको माइनस इनटू प्लस नहीं पता 93 आना है कहीं ना कहीं, तो वो टीचर एक जो आपने बोला, और सेकंड थिंग मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका ये मतलब स्टूडेंट खराब है, मतलब है कि टीचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो बहुत सुंदर, तो फिर आपने आई थिंक अपनी टीचर बनने की यात्रा को कहीं ना कहीं एजुकेशन लिया अलग अलग इंस्टीट्यूट से, और मुझे लगता है आप अभी भी स्टूडेंट हैं इसीलिए आप इस बात को एडमिट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम लर्निंग करते हैं मैं देखता हूं आजकल एक महीने का ही लोग कोर्स करके बहुत बड़े टीचर बन जाते हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो मैं देखो अगर सिंपल शब्दों में बताना पड़े तो बहुत आसान है और समझना बहुत जरूरी है कि आप जीवन भर स्टूडेंट रहो तो आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, पर अगर आप टीचर बन गए तो ये आप सोचो कि ये हमारा घड़ा एक घड़ा है, ये हमने पहले भी बात की हुई है कि घड़ा है जिसमें नीचे एक जो टीचर है, एक घड़ा है जिसके नीचे एक छोटा सा छेद है, उसमें से पानी रिस रहा है धीरे धीरे, वो पानी क्या है, नॉलेज, अब अगर मैं इसको रिफिल ना करूं, अगर मैं भावत भरता ना रहूं, एज अ स्टूडेंट ना बना रहूं, तो ये टीचर वाला घड़ा एकदम खाली हो जाएगा और मैं विदाउट नॉलेज बैठा रहता। बहुत सुंदर, सो देन आप मेंशन करना चाहेंगे लाइक आपको कौन ऐसे टीचर मिले जिन्होंने आपको इतना लाइक गाइड किया है, एंड स्टिल मे बी दे आर गाइडिंग यू, कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो जो आप आज तक फॉलो करते हैं है ना, क्योंकि आज हम जो पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं इट्स नॉट समथिंग बुकिश, इट्स समथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, जो आप जी रहे हो गाइस, यस, तो कुछ शेयर कर सकते हैं आप ऐसा? जरूर जरूर, तो मैं अगर मुराजी देसाई की बात करूं तो वहां मेरी जो टीचर रही नीतू मैम है ना, नीतू सैनी, वो बहुत उन्होंने मेरे को बड़ा प्रेरित किया और उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। इसी प्रकार अगर हम यहाँ आए शिवराम सर करके मेरे एस व्यासा में जो हमारे YIC के टीचर थे है ना, उन्होंने बड़ा मुझे प्रेरित किया। ये लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसा लगता है अगर उनका काम देखें तो ऐसा लगता है दे आर एंजॉयिंग देयर वर्क, वो जॉब के जैसे नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग बस पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही इनकी कॉलिंग है। जैसे मुझे अब अपने 18 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद और अब 3-4 साल एज ए टीचर योगा टीचर रहने के बाद समझ आया कि योगा इज माई कॉलिंग। एक बार जब नीतू मैम एक हमें एक मेडिटेशन कराया, एक 1.5 घंटे का था जिसमें कि शवासन में रहना था और ऑफकोर्स सोना नहीं है ना, शवासन इज द मोस्ट डिफिकल्ट आसन है ना पूरे उसमें सबसे बता, yes. तो शवासन और सोना नहीं है और 1.5 घंटे, आई होप आप योग निद्रा की बात कर रहे हैं, आई होप आप योग निद्रा, और उसी में एक लेवल अप था वो जिसमें वो हमें अलग अलग मतलब आपके माइंड के अलग अलग एरियाज की तरफ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में जाके बोला कि अब आप मन में एक ऐसा रिजॉल्व लीजिए है ना, एक आप कोई ऐसे मन में बात सोच के उसको रिपीट करें 5-7 बार, और मन में उस समय यही आया कि आई वॉन्ट टू गिव दिस लाइफ टू योग, और जब वो बोल दिया वो अपने आप ही नीचे से कहीं से तल में से, जैसे समुद्र में गहराई में जाके आप तल में से कुछ ले आए, मोती ले आए, तो वैसा हो गया, और वो करने के बाद इतने आंसू आए, ऐसा रोना आया, ऐसा लगा कि ये मैंने क्या मांग लिया
ये हो भी पाएगा कि नहीं। बड़े सारे नहीं। जैसे ही क्या होता है ना, हम जब अमृत के लिए जाते हैं तो पहले विश भी बहुत सारा आता है ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसके अराउंड आ गई कि नहीं हो पाएगा, हमारा परिवार है ना, बच्चे हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाउ कैन यू गिव योर लाइफ टू योगा, योगा में पैसा नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही उत्पन्न होने लगे जिनकी वजह से आंसू आने लगे और बहुत एक हैप्पी और सैड वाला कि मुझे लाइफ का पर्पस तो मिल गया है पर वो करना कैसे है वो सवाल बढ़ रहे थे। तो उस जद्दोजहद में मुझे करीब 4-5 महीने लगे और फिर समझ आया कि कैसे इस चीज को कैसे सेटल करना, और फिर मैंने किया। मेरे जितने भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इन टर्म्स ऑफ, किसी का लोन था पे ऑफ किया, कोई ईएमआई चल रही थी पे ऑफ की, सारा कुछ पहले, ऐसा कि भगवान ना करे कि अगर मैं आज चला जाऊं तो किसी को मेरे बाद किसी को देना ना पड़े। तो उस इंटेंशन से फिर मैंने जब ये शुरू किया, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं आज तक, इतना मैं कहूं कि वो अभी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ और कहीं भी हो दुनिया में, और उनका ये मेरा मानना है आशीष जी के आप जैसे टीचर हो ना, आपकी एनर्जी, ये हम पहला जो क्वेश्चन था एनर्जी वाला, वैसी ही एनर्जी के लोग आपके स्टूडेंट बनेंगे ना, जो जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे ना वो थोड़े दिन ही रहेंगे और वो आपसे ऐसे अलग हो जाएंगे कि जैसे गधे के सर से सींग, एकदम भूल जाएंगे आप भी उनको। Correct. So, for joining, keep sharing this whole podcast of Gaurav sir and how he beautifully take us to this Anand Yatra of health and happiness. So thank you so much. Keep living, keep spreading this beautiful joy of happiness. Thank you. Desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.